तादाद में यहाँ पर अक मौजूद है, जिसे अक कहा जाता है। ये बहुत ही कड़वी जड़ी बूटी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये इसमें डोडे बने हुए हैं जिनमें से दूध निकलता है। तो हम जो है इसमें से आपको दूध भी निकाल कर दिखाएंगे कि किसा कैसा इसका जो है सफ़ेद रंग का दूध होता है। ये देखें जी, सफ़ेद रंग का दूध इसमें से निकलता है। ये बहुत ही कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा। इसको जो है ऊँट वगैरह खाते हैं, बकरियां भी खा लेती हैं, गाय वगैरह। जब ये सूख जाता है तो उस वक्त जो है इसको जो है खाते हैं जानवर। जो है खुशक पत्ते जो है इसके खाए जाते हैं, और ऐसे जो है ये बहुत ही कम जो है खाया जाता है, जानवर इसको बहुत कम खाते हैं। ये भी चुलस्तान की जड़ी बूटी है। ये जी चुलस्तान में जो है एक डिग्गी बनाई गई है पक्की, पानी के लिए, जानवरों के लिए। यहाँ से जो गायें जो है पानी पीती हैं। कुछ जो है इसमें ये साफ इतना पानी तो नहीं है, लेकिन जानवरों के पीने के लिए ठीक है। इस जनरेटर से जो है पानी खींचा जाता है और फिर इसमें जो है छोड़ा जाता है, यहाँ से जानवर पानी पीते हैं। ये गायें जी, इनके लिए ये हौदी बनाई गई है जिसमें से पानी पीती हैं। पाक फौज की तरफ से जो है ये पानी का जानवरों के लिए इंतज़ाम किया गया। रोही चुलस्तान की गायें हैं, और 30 फुट से ज़्यादा जो है लंबी है, और वो जो है जानवर पानी पी रहे हैं। छोटे छोटे बछड़े हैं, खूबसूरत किस्म के। रोही के जानवर हैं, डरते बहुत हैं। ये पानी की टैंकी के साथ जो है जानवर बैठ गए हैं, चर के खा पी के आ गए हैं। ऊपर से झाड़ियाँ, घास जो है चुलस्तान में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ये वाटर सप्लाई पाइपलाइन जो है उसके ज़रिए जो है पाक फ़ौज की तरफ से जो है ये डोनेट किया गया है, गिफ्ट है इन लोगों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त है पाक फ़ौज की ये जो है काविश इन माल मवेशी पालने वालों की, उनके लिए दुआएँ कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे।
बढ़िया स्टे किया हुआ है उन्होंने, कुछ जो है वापस जा रहे हैं। हम आपको जो है काफी तादाद में कोशिश करेंगे कि वहां से गुजर जाएं, लेकिन इनके